हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस कैरियर एकेडमी। गाइस, आज 7 अगस्त को देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। ओके, शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन का, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक तेजस कैरियर एकेडमी ऐप डाउनलोड किया है, फटाफट तेजस कैरियर एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको सारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के आपको फ्री PDF जो हमारे YouTube पे क्लासेस चलते हैं उनके PDF आप वहाँ से नोट्स के फॉर्म में आप डायरेक्टली ले। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए या विकास हेतु सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सस्पेंशन ब्रिज या लक्ष्मण झूला भी कहा जाता है इसको, सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा, सस्पेंशन ब्रिज के बारे में बात करूं तो ये ब्रिज जो है IIT दिल्ली के द्वारा तैयार किया जाएगा। IIT दिल्ली को ये प्रोजेक्ट दिया गया है। टोटल लागत यहाँ पे 40 करोड़ रुपए की है, 40 करोड़ रुपए की है। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो लेंथ रहेगा इसका 250 मीटर एंड विड्थ इसकी रहेगी 3 मीटर की। ठीक है, ध्यान रखिएगा 250 मीटर इसका लेंथ रहेगा और 3 मीटर की इसकी चौड़ाई रहेगी। और ये आपका शिवनाथ नदी पर बनाया जाएगा। ध्यान रखेंगे आप, शिवनाथ नदी के ऊपर कहाँ पे, तो महमरा घाट दुर्ग जिले में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका ए। सेम पैटर्न पर आपका ऑलरेडी रायपुर में खारून नदी के ऊपर बनाया जा चुका है। ठीक है, सेम पैटर्न पर आपका खारून नदी में बनाया जा चुका है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में कुपोषण का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया है। तो ध्यान रखेंगे, केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में, याद रखेंगे आप, सुकमा जिले में सर्वाधिक कुपोषण मान प्राप्त किया गया है। और सर्वाधिक कुपोषण दर की अगर हम बात करें तो यह है आपका 41.8% का। इसके बाद में अगर हम बात करें, सेकेंड नंबर पर आता है आपका बलौदा बाजार, जिसमें कुपोषण का परसेंट, बच्चों में मेल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो परसेंटेज है 40.1% का। ध्यान रखिएगा 40.1% का। इसके बाद आता है आपका रायगढ़ के बाद आता है आपका जांजगीर चांपा के बाद आपके आते हैं बालोद। डिफरेंट ऐसे अगर आप देखिएगा तो सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली, सब माल फंक्शनिंग में अप टू 25% तक की अगर मैं बात करूँ, 25% तक के कुपोषण दर वाले में राज्य के 15 जिले शामिल हैं। याद रखिएगा, 15 जिले शामिल हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका बी। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा कि कुपोषण से मुक्त करने के लिए हाल ही में राज्य सरकार द्वारा वजन त्यौहार चलाया जा रहा है। माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए यहाँ पर आपका राज्य सरकार अलग अलग टाइप से पहल योजना हो, या फिर अगर आप देखेंगे तो वजन त्यौहार हो, सभी के ऊपर कार्य कर रही है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया जाएगा। तो गाइस ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता दिवस के आजादी के अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 के कार्यक्रम के दौरान इस साल 14 अगस्त को सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा आयोजन किया जाएगा स्वतंत्रता दिवस दौड़ का। ठीक है, स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया जाएगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सूरजपुर में हाल ही में एक नए तहसील का गठन किया गया है, भटगांव। ठीक है, भैयाथान अनुविभाग के अंतर्गत एक नया तहसील बनाया गया है आपका भटगांव। याद रखिएगा भटगांव। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन करके उन्नीस सौ उनसठ के अनुसार यहाँ पे एक नया प्रशासनिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक कसाव हेतु भटगांव एक नया तहसील बनाया गया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित खाद्य तेल के संबंध में जागरूकता अभियान किस जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। अब मिश्रित खाद्य तेल, अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, FSSAI ने 2023 तक ट्रांसफैटी एसिड
ध्यान रखिएगा, ट्रांस फैटी एसिड मुक्त होने का, फैटी एसिड मुक्त मुक्त करने का निर्णय लिया है, और इसके लिए अलग अलग जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब यहाँ FSSAI के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के द्वारा बस्तर जिले में, ध्यान रखिएगा, जिला प्रशासन के द्वारा बस्तर जिले में ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर होगा आपका डी। इसके अलावा बस्तर के बारे में छोटे पॉइंट्स आप याद रखेंगे, क्या बस्तर में हाल ही में झीरम घाटी के शहीदों के लिए झीरम घाटी का शहीद मेमोरियल बनाया जाएगा और उनकी आदमकद प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। यह रहेगा, आदमकद प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। क्वेश्चन है, कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए किस जिला अस्पताल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यानी फर्स्ट पोजीशन के बारे में बात कर रहा है। तो गाइस ध्यान रखेंगे, स्वच्छ कायाकल्प अस्पताल योजना के अंतर्गत विजापुर जिला अस्पताल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है राज्य में। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? सेकंड नंबर पे है आपका कवर्धा जिला अस्पताल। याद रखिएगा, कवर्धा जिला अस्पताल कौन सा है? सेकंड नंबर पर है, और पहले स्थान पर है आपका विजापुर जिला अस्पताल। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? आपका बी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के गांव, तहसील, जिलों के सीमाओं की पहचान हेतु डिजिटल नक्शों के लिए कौन सी तकनीक विकसित करने का निर्णय लिया गया है? ध्यान रखिएगा, गांवों का सीमांकन, तहसीलों का सीमांकन, इसके अलावा जितने भी खेती योग्य भूमि है उनका सीमांकन, उनकी सीमाओं की पहचान, इन सभी कार्यों हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने चिप्स कंपनी के साथ, ध्यान रखिएगा, चिप्स कंपनी के साथ एक समझौता किया है जिसकी लागत है 40 से 50 करोड़ रुपए की, और इस 40 से 50 करोड़ रुपए में जियो रिफ्रेंसिंग, ध्यान रखिएगा, जियो रिफ्रेंसिंग एक नई तकनीक विकसित की जाएगी जिसके द्वारा आप अपने जमीन का, अपने घर का, अपने गांव का, अपने तहसील का, जिलों का, सीमाओं का आप यहां पर आकलन कर सकेंगे, देख पाएंगे अपने मोबाइल पर, एंड्रॉयड पर। इसके अलावा कंप्यूटराइज और डिजिटल फॉर्म में सभी नक्शे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयोजित की जा रही है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राज्यीय अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट हाल ही में सुकमा में किया गया। कहाँ किया गया है? सुकमा में किया गया। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सुकमा में। और सुकमा में कहाँ पे, लोकेशन क्या है? तो स्वर्गीय कवासी हिडमा इंडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया, इंडोर स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया। और इस खेल प्रतियोगिता में, सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन रायपुर और दुर्ग के खिलाड़ियों का रहा है। ध्यान दीजिएगा, रायपुर और दुर्ग के खिलाड़ियों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है, दुर्ग के खिलाड़ियों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नशे से आजादी राष्ट्रीय युवा एवं विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम। ध्यान से देखेंगे, नशे से आजादी राष्ट्रीय युवा एवं विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया? तो गाइस ध्यान रखेंगे, इस कार्यक्रम का आयोजन 4 अगस्त को किया गया है, कार्यक्रम का 4 अगस्त को किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार, याद रखिएगा, वीरेंद्र कुमार। ठीक है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा नशे से आजादी राष्ट्रीय एवं युवा एवं विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, और इसमें देश के 272 जिलों को नशे से मुक्त करने के लिए, नशे से मुक्त करने के लिए, नशे से जिले को नशे से मुक्त करने के लिए, ध्यान रखिएगा, नशे से मुक्त करने के लिए युवाओं का योगदान के बारे में बात की गई। और मंत्री जो है, केंद्रीय मंत्री जो है सहकारिता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के, इन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी ही इसमें
सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद का कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। तो यहाँ पे नशे से मुक्ति के लिए 272 जिलों में, जो कि सबसे ज्यादा नशे की चपेट में है भारत के 272 जिले, इन सभी जिलों में नशे से मुक्त अभियान, नशे से मुक्ति के लिए भारत मुक्त यानी नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका सी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किस युद्धक टैंक द्वारा किया गया। सबसे पहले ध्यान देंगे आप, डीआरडीओ क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब बनाया गया 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। अभी एट प्रेजेंट इसके चीफ कौन है, इसके चीफ है सतीश रेड्डी, ध्यान रखिएगा, इसके चीफ कौन है सतीश रेड्डी। और हाल ही में लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल महाराष्ट्र के अहमदनगर में बनाया गया और इसका नाम है अर्जुन। इसमें होता क्या है कि जब ये मिसाइल को दागता है तो मिसाइल दागने के बाद भूल जाता है, तो पता ही नहीं होता कि हमने कौन सी मिसाइल डाली, और ये कंटिन्यूअस सेगमेंट में चलता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा, ध्यान से देखेंगे आप, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रेपो रेट में कितना निर्धारित किया गया है। ध्यान रखिएगा, एमपीसी की अगर हम बात करें, मौद्रिक पॉलिसी कमेटी की अगर हम बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें, तो यहाँ पे 6 सदस्य 6 मेंबर रहते हैं और 2-2-2 के सीक्वेंस में यहाँ पर आपका बैठक होती है और निर्धारित की जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई के नियंत्रण के लिए, गिरावट को नियंत्रण के लिए यहाँ पर रेपो रेट का प्रोविजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अभी इस बार इस मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रेपो रेट 5.40% किया गया, 5.40% किया गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। अब आप यहां पे बता सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर एट प्रेजेंट कौन है और डेप्यूटी गवर्नर कौन है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, डेप्यूटी गवर्नर कौन है, इसका ये दो क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन है जो डेली आपका क्विज के फॉर्म में चलता है, ये है आपका क्वेश्चन कि विश्व के किस देश ने हाल ही में वर्टिकल सिटी द लाइन बनाने की घोषणा की है, चलिए इसमें मैं आंसर तो नहीं बताऊंगा लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूं। ध्यान रखेंगे, वर्टिकल सिटी लाइन 170 किलोमीटर की सिटी बनाई जाएगी जो कंप्लीटली पॉल्यूशन फ्री रहेगी। ध्यान रखेंगे आप, पॉल्यूशन फ्री रहेगी और ये सिटी जो होगी इसमें फ्लैट सिस्टम होगा। और इसकी अगर हम लेंथ के बारे में बात करें, हाइट जो है इसका 500 मीटर की इसकी हाइट होगी। उसके बाद विड्थ की बात करें तो विड्थ इसका 250 मीटर का विड्थ होगा, ठीक है, 250 मीटर का विड्थ होगा, विड्थ हाइट एंड आपका लेंथ, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है, पॉल्यूशन फ्री रहेगा। उसके बाद नेकोम, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो नेहोम प्रोजेक्ट इसको कंप्लीट करेगा, इस वर्टिकल सिटी को। अब आपको आंसर बताना है कि किस देश में, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सऊदी अरबिया, ईरान, आर्मेनिया और सर्बिया, ओके। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर का सेशन, बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए चैनल पर, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ गाइस, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आंसर जरूर दें, क्योंकि जब आप पार्टिसिपेट करेंगे क्वेश्चनिंग में, क्वेश्चनायर्स में, तभी आपका यहाँ पे बेनिफिट होगा, ओके। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द, थैंक यू।